हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। सो फाइनली फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, अब हम इस वीडियो के अंदर आपको फ्रेम बनाना सिखाएंगे भी और दिखाएंगे फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आज हम ये वाला फोटो फ्रेम बनाएंगे। इस तरह का मोल्डिंग हम एक दूसरी मोल्डिंग लेंगे, उस तरह की एक हम फ्रेम आपको बनाना दिखाएंगे भी और सिखाएंगे भी। सो फ्रेंड्स, हम ये वाली मोल्डिंग हम अपने वीडियो के अंदर और अपने फ्रेम के अंदर ये वाली मोल्डिंग हम यूज़ कर रहे हैं। मैं क्लोजली आपको दिखा रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, दिस मोल्डिंग हम यूज़ करेंगे। इस मोल्डिंग को यूज़ करने से पहले मैं उस साइज़ को एक बार मैं आपको बता दूं कि किस साइज़ का हम वो फ्रेम बनाएंगे। हम वो फ्रेम 10x12 इंच का हम वो फ्रेम बनाएंगे, प्रॉपर हम इस मोल्डिंग के अंदर बनाएंगे। अगर कोई भाई इंटरेस्टेड है ये जानने में कि भाई फ़ोटो फ्रेम्स कैसे बनते हैं या फिर कोलाज कैसे बनते हैं, अब मैं ऊपर बेल आइकन लगा देता हूँ, आप वहाँ पर जाएँ और हमारी प्रीवियस वीडियोज़ हैं जो आप उनको भी प्लीज़ देखिए फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे फ़ोटो फ्रेम कैसे बनता है। सो ये हम इसको अपनी मोल्डिंग को हम विद द हेल्प ऑफ स्केल और पेंसिल इस तरह से हम इसको मेज़र भी करेंगे और मार्क भी लगाएंगे। सो फ्रेंड्स, मैं पहले फर्स्ट इन केस मैं जो अपना 12 वाली जो हमारी वाइड है, हम पहले वाइड की तरफ से एक बार अपना मेज़र कर लेते हैं साइज़ अपनी मोल्डिंग का। मैं मार्क लगा देता हूँ यहाँ पर। सो फ्रेंड्स, ये हमारा मार्क लग चुका है। अब हम, ये हमारी कटिंग मशीन है, अब हम अपनी मोल्डिंग को विद द हेल्प ऑफ कटिंग मशीन एक बार अपनी कटिंग पर इसको डाई को सेट कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारी डाई प्रॉपर सेट हो चुकी है। अब अपने लॉक को लगा देते हैं एक बार। ये अब हमारा लॉक भी लग गया है। अब हम अपनी मोल्डिंग को कटिंग करेंगे। सो फ्रेंड्स, हमारा जो सिंगल लेयर है वो हमारी प्रॉपर कटिंग हो चुकी है। अब हम अगेन इसकी सेकंड साइड और कटिंग करेंगे, उसको भी सेम ऐसे ही कटिंग करेंगे। सो फ्रेंड्स, दीज आर आवर टू साइड्स प्रॉपर। ये हमारी 12 इंच की वाइड हैं। अब मैं इसको हाइट की तरफ से मैं इसको एक बार मेज़र कर लेता हूँ। वहाँ की तरफ भी हमारा जो साइज रहेगा 10 इंच रहेगा। मैं 10 इंच पर एक बार मार्क लगा लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारा मार्क लग चुका है। अब हम अपनी डाई को सेट कर लेते हैं। तो हमारी 10 इंच वाली हमारी एक स्ट्रिप, एक लेयर हमारी कंप्लीट हो चुकी है, जिसको हम अकॉर्डिंग टू हाइट या वाइड दोनों में हम कैसे भी यूज कर सकते हैं। अब हम इसकी सेकंड लेयर कटिंग करेंगे। फ्रेंड्स, ये हमारी सेकंड लेयर दोनों हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर कोई भाई अभी तक हमारे चैनल पर नया है तो आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अब हम आपको विद द हेल्प ऑफ पिनिंग मशीन मैं आपको पिनिंग करके भी दिखाऊंगा। ये हमारी चारों जो कटिंग है वो हमारी, दो तो हमारी 12 इंच की हैं और दो हमारी 10 इंच की हैं। अब इनको एक बार मैं पिनिंग करके आपको दिखाता हूँ। ये हमारी पिनिंग मशीन है। अब हम एक बार पिनिंग करते हैं। पिनिंग करने से पहले हमें एक बार डाई को अपनी सेट करना पड़ेगा। मैं एक बार आपको डाई सेट करके दिखा देता हूँ। सो ये अब हमारी डाई सेट हो चुकी है प्रॉपर। अब हम इसको पिनिंग कर दिया। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी पिनिंग करने के बाद हमारी मोल्डिंग ऐसे हो चुकी है। ये जॉइंट हमने इस मशीन के हेल्प से किया है, ये देखिए। अगर कोई भाई इंटरेस्टेड है इस तरह की मशीन परचेज करने में तो हम उसकी मशीन परचेज करने में हेल्प भी कर देंगे और हम मशीन सेल भी करते हैं फ्रेंड्स। अगर कोई भाई इंटरेस्टेड है हमसे मशीन लेने में तो वो इजीली ले भी सकता है। सो दिस इज आवर सेकेंड साइड। ये हमारी दो साइड हो चुकी हैं। अब मैं इनको फिर से कंबाइन कर देता हूँ, जोड़ देता हूँ। सो दिस इज आवर लास्ट साइड। सो फ्रेंड्स, देखिए हमारा मॉड्यूल कंप्लीट रेडी हो चुका है। आपको वो इस तरह से शेप में दिखेगा। सो फ्रेंड्स, अब मैं इस पर आपको ग्लास लगाकर दिखाऊंगा। ग्लास मैंने इसका ऑलरेडी पहले से ही कटिंग कर लिया था।
वो मैं आपको सेट करके दिखाऊंगा। और इसका जो बैक MDF है वो भी मैंने पहले से ही कटिंग कर लिया था, वो भी मैं दिखाऊंगा। मैं इस फ्रेम का यूज़ कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ये हमारा ग्लास मैंने अभी इस पर लगाया। सो फ्रेंड्स ये देखिए, ये हमने ग्लास इस पर प्रॉपर सेट कर दिया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने इस पर ग्लास प्रॉपर सेट कर दिया। अब लास्ट में हम इस पर ये MDF है, ये MDF को भी इस पर सेट कर देते हैं। ये हमारी सेटिंग प्रॉपर हो चुकी है। सो फ्रेंड्स अब हमारा गेटअप इस तरह का बन रहा है। प्रॉपर इसको हैंग करने के लिए इस पर मैं फ्लैक्सी गन की हेल्प से इसको पिंच लगा देता हूँ। और ये अब हमारी प्रॉपर पिनिंग हो चुकी है। अब मैं इस पर हैंग करने के लिए वॉल पर इस पर क्लैंप लगा देता हूँ। सो ये वाली क्लैंप हम यूज़ करेंगे। इसको मैं एक बार विद द हेल्प ऑफ स्केल इसका डायमेंशन ले लेता हूँ और इसको प्रॉपर मेज़र कर लेता हूँ ताकि ये प्रॉपर बीच में सेट रहे। अब मैं विद द हेल्प ऑफ स्क्रू ड्राइवर, ये हमारा इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर है फ्रेंड्स, ये हम वोल्ट हम इस पर यूज़ करेंगे। ये हमने स्टार्ट किया, ये हमारी एक साइड कंप्लीट हुई एंड दिस इज आवर सेकंड साइड। सो फ्रेंड्स ये हमारा फ्रेम कंप्लीट। ये देखिए फ्रेंड्स क्या गेटअप, क्या क्वालिटी, क्या चीज़ हमने बना के आपको दिखाई। सो फ्रेंड्स आपको ये फ्रेम कैसा लगा नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर से ज़रूर कीजिए। और आप हमारे चैनल को ऐसे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।